नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन दिल्ली वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रैवल ट्रिप। तो दोस्तों, आज बांग्लादेश का पहला दिन है, वैसे तो दूसरा है लेकिन आज पहला दिन है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से सीधा आ गया था अपने होटल या हॉस्टल, जो भी कह सकते हैं, गेस्ट हाउस। तो भाइयों देखो, यहाँ पर चल रहा है हमारा कन्वर्सेशन। मुझे बांग्ला नहीं आती है बहुत ज़्यादा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती है। और भाई को जो है, भाई की नाम छो हेलाल, हेलाल मैं सही बोल रहा हूँ, बांग्ला की नाम छो बांग्ला सही है। अच्छा जी, इतनी तो आती है। तो हेलाल, हेलाल भाई का नाम है। ये जो है अटेंडेंट है, ये अपना होम स्टे 3 जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो हम दोनों भाई जो है बात कर रहे हैं करेंसी एक्सचेंज के बारे में। तो भाई को जो है इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है, मुझे तो बांग्ला बिल्कुल नहीं आती। भाई इधर समझ नहीं पा रहे, इधर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बताना की नाम से रोड का मकीरापुर ऑन रोड दैनिक बांग्ला रोड, दैनिक बांग्ला रोड। तो भाई अभी दिखाना, जरा दिखाओ लिख के। हमारी जो कन्वर्सेशन चल रही है वो चल रही है गूगल ट्रांसलेट के थ्रू। ये देखो फकीरापुल रोड, दैनिक बांग्ला रोड। तो मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, वहाँ पर मुझे जाना है। तो अभी हमारी कन्वर्सेशन जो है ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट के लिए चल रही है। तो चलिए सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, आफ्टर दैट आई नीड टू लोकल सिम कार्ड, है ना। तो उसके बाद लोकल सिम कार्ड लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे कहीं घूमने। तो चलिए चलते हैं। तो भाइयों आ गए हैं रिक्शा, देख रहे आप। रिक्शा जो दिल्ली में कई सालों पहले चलते थे, वो रिक्शा बांग्लादेश में अभी भी चल रहे हैं। और बताते हैं कि जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिक्शे वाले, हाथ से चला पैरों से चलाने वाले सबसे ज़्यादा 10 मिलियन पता नहीं 8 मिलियन कितने हैं, सबसे ज़्यादा रिक्शे जो है बांग्लादेश में। और मौसम भी बढ़िया हो रहा है, मुझे लग रहा है बारिश ना आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो भाई जाम का मैंने बहुत सुना और रात को बहुत जाम लग रहा था, लेकिन अभी जो है, अभी जहाँ से मैं निकला हूँ, जिधर मैंने मेरा गेस्ट हाउस है, ये है सिद्धेश्वरी इलाका है, जयगाँव पता नहीं क्या बोलते, लेकिन जो जिस एरिया में रह रहा हूँ वो एरिया है सिद्धेश्वरी। तो यहाँ जो है थोड़ा सा ठीक ठाक है। और जो पहला जो है, कल तो अंधेर था, जो पहला जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका का जो है पहला नज़ारा वो ये है। और आप देखोगे तो चौंक जाओगे। भाइयों बड़ी परेशानी हो रही है यार, जो है ना एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप आओ तो एयरपोर्ट से लेकर आना, एयरपोर्ट पे सही रेट भी मिल रहे, और यहाँ पता नहीं क्या दिक्कत है, आज बंद है क्या है। जहाँ भी मनी एक्सचेंज के ऑफिस में जा रहा हूँ तो वो बंद ही मिल रहा है। तो एयरपोर्ट से लेकर आना, एयरपोर्ट पर रेट भी अच्छा था, एयरपोर्ट पर मुझे 1.35 मिला था,
और यहाँ पर मुझे जो 1.28 मिला है, क्योंकि ज़्यादातर मनी एक्सचेंज की दुकान आज बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, जहाँ भी जा रहा हूँ ताला लगा रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आया हूँ दिलकुशा रोड, दैनिक बंगला, जो मेरे गेस्ट हाउस था उसने बताया कि दैनिक बंगला रोड पर आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला। फिर ये दिलकुशा रोड है, 64 नंबर रोड दिलकुशा रोड। यहाँ पे वो जो है बहुत सारे बैंक हैं, अलग अलग जो है बैंक हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, यहाँ पर मनी एक्सचेंज भी है। लेकिन मैं अभी तक, क्योंकि रास्ता या कुछ फ़ोन मैंने लोकल सिम भी नहीं लिए, तो फिलहाल कुछ अभी पहला दिन है तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप आओ तो करेंसी एक्सचेंज करा रहा ना, अगर लोकली घूमना है तो काफ़ी दिक्कत, नहीं तो दिक्कत होगी काफ़ी। मैं भी घूम रहा हूँ रोड पे घूम रहा हूँ दिलकुशा रोड, और देखो कुछ ऐसा नज़ारा है, अटकती आसमान बांग्लादेश के इलाका में। देखते हैं, अभी मेरा काम रह गया है सिम कार्ड का, मुझे सिम कार्ड लेना है। अभी यहीं से मैंने अपने लोकेशन डाली सिम कार्ड की, तो मुझे यहाँ से 400 मीटर दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ से ले लूँ। तो मुझे किसी ने सजेस्ट की थी ग्रामीण फोन, ये ग्रामीण फोन की जो है क्या नाम, वो लेना सिम। तो मैं भी जो है वो ग्रामीण फोन की सिम जो है वो ही लेने जा रहा हूँ। उसके बाद भाई साहब ऐसे ही पार कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ही पार कर रहा हूँ सड़क को, और उधर सामने है ग्रामीण फोन का मुझे दिख गया है थोड़ी सी दूर चलते ही, और कंस्ट्रक्शन जो है पूरे इसमें बांग्लादेश में चल रहा है। ठीक है सर, ये मेरे ख्याल से मेट्रो कंस्ट्रक्शन है, और ये इधर आ गया है ब्लू कलर वाला ग्रामीण फोन। अब मुझे उधर से घूम के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ही फोन लेना है, यहाँ पर ये है, वहाँ से तो कूद गया है मैं। चलो भाई, ये है ग्रामीण फोन का, और यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो है जो बांग्ला लैंग्वेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है लेकिन बहुत कम है, आपको ढूंढनी पड़ेगी इंग्लिश वर्ड वर्ड पे जो है बांग्ला जो है वो ज़्यादा लिखी है। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, टूरिस्ट सिम तो जी, तो ये टूरिस्ट सिम के हमें मिल गया, इसको देखते हैं क्या है। तो भाइयों, सिम कार्ड जो है मैंने ले ली है, और सिम कार्ड मुझे मिली है 990 में, यानी कि 399 का जो है सिम है, और 500 कुछ का उसमें जो है 45 GB डाटा मिला है मुझे एक महीने के लिए। तो मतलब 1000 के आसपास की थी, तो 990 ये जो है बांग्लादेशी टका है उसमें मुझे मिली है 990 में 45 GB एक महीने के लिए, और 100 मिनट उसमें मिली है फ्री। तो दोस्तों, क्योंकि पहला दिन है और ढाका में बांग्लादेश का, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ढाका क्यों पड़ा है। एक जगह मैं आपको लेके चल रहा हूँ, उसी की वजह से इसका नाम ढाका पड़ा है। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि वो एक हिंदू मॉन्यूमेंट है, यानी कि हिंदू से, हिंदुस्तान से लेकर हिंदुओं से।